मुजफ्फरपुर की क्रांतिकारी धरती जहां अमर शहीद जुब्बा सहनी बांगू सहनी रामकरण कुंवर वैकुंठ शुक्ला रामदयालु सिंह की जन्मभूमि है, जहां खुद्दीराम बोस जैसे अमर शहीद की आत्मा है। उस धरती पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का हार्दिक स्वागत है। 2014 में जब आप मुजफ्फरपुर में थे प्रत्याशा बोचहा में, तो मुझे आपका भाषण सुनने का मौका मिला था। सबसे पहले जदयू नेता श्री नंदेश्वर प्रसाद सिंह से माफ़ी चाहता हूं, आपने जो रैली के लिए हमें आमंत्रण किया था मैं नहीं पहुंच सका। और हरिंदर सहनी जो कि महागठबंधन के समर्थक है, उन्होंने भी वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के कार्यक्रम के बारे में बताया था, जो कि बोचहा में ब्लू डायमंड में और औराई में कार्यक्रम था। मैं किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में आज नहीं पहुंच पाया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। मेरे एक चाचा जी SKMCH में भर्ती हैं, उसके परेशानियों को देखते हुए मैं नहीं पहुँच पाया। मोदी जी, मुजफ्फरपुर आसपास की समस्याओं से आपको अवगत कराना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं जो लोग सुन रहे हैं आप तक ये बातें पहुंचाने में मदद करेंगे। सबसे पहले बागमती आंदोलन के बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कई ऐसे पत्र हैं जो रसियाना हिल दिल्ली पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में, आप उस पर भी ध्यान दे सकते हैं। हमारे आंदोलन के समर्थन में बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी भी एक बार आ चुके हैं। मुजफ्फरपुर आसपास में अपराध चरम पर है। थाना प्रखंड जिलाधिकारी कार्यालय तक आप औचक निरीक्षण करके देख सकते हैं, आप स्वयं समझ जाएंगे। हाल ही में मुजफ्फरपुर वैशाली से बहुत सारे प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया है, परंतु वैशाली से NDA के प्रत्याशी का नामांकन रद्द होने की स्थिति थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये आपके लिए गर्व की बात नहीं है, यह खबर प्रचलित भी है। प्रधानमंत्री जी, जिस खुशी के साथ आपने 10% सवर्ण आरक्षण लागू करवा दिया, क्या आप निषाद आरक्षण लागू नहीं करवा सकते थे? सवर्णों से आपने पहले कोई वादा भी नहीं किया था, परंतु 2014-15 में निषाद समुदाय से आपने वादा किया था, इसका ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। निषाद समुदाय ने सड़कों पर आंदोलन किया था, सवर्ण समुदाय ने तो सिर्फ नोटा दबाया था, और सवर्ण समुदाय के कुछ लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर संविधान जलाया था। मेरा मानना है कि आप मोहन भागवत के आदेश अनुसार अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं। मोहन भागवत के नागपुर कार्यालय से मिले आदेश का पालन को मैं देशभक्ति नहीं मानता, चूँकि वहां तिरंगा 52 वर्ष तक प्रतिबंधित रहा है। नागपुर कार्यालय के आदेश से आप 2019 के लोकसभा चुनाव में ऐसे लोगों को भी टिकट दे रहे हैं जो अमर शहीद हेमंत करकरे को अपमानित करती है। वह साध्वी नहीं, कसाब की बहन लगती है, ऐसा लगता है। चौथे चरण में हुए चुनाव में कई जगह कमज़ोर वर्ग को वोट नहीं गिराने दिया गया है, खासकर बेगूसराय में ऐसा हुआ है, जिसकी सबूत आपको सोशल मीडिया के माध्यम से भी मिल जाएगी। मैं गायघाट विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि पहले से राजनीति इतनी महंगी नहीं थी जितनी महंगी आपके कार्यकाल में हुए हैं। अफसरशाही भी चरम पर है, रिश्वतखोरी के साथ आपके चौकीदारों को भी समझौता करना पड़ता है। एक दिन गायघाट प्रखंड कार्यालय पर तो चौकीदार पिट गया। मेरा घर जिस लदौर पंचायत में है, वहाँ PDS की 3 रिक्त पद थे, एक सामान्य, एक पिछड़ी जाति महिला, एक अति पिछड़ी जाति। इन तीनों सीट में मात्र एक ही का परिणाम आज तक साफ हुआ। सामान्य वर्ग से हैं श्री अनिल कुमार झा, जो कि वर्तमान मुखिया सुनीता देवी के भाई है। PDS आंगनवाड़ी के भर्ती में भी हेराफेरी साफ दिख रहे हैं,
ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ प्रधानमंत्री महोदय जी, चूँकि यहाँ का सांसद को लोग गुंगा कहते हैं, उसे वोट आपके नाम पर मिला है। हो सकता है निकट भविष्य में वार्ड मुखिया जिला परिषद में भी आपके नाम बेचकर वोट लिए जाएंगे, तो सवाल भी पत्रकारों द्वारा आपसे ही होगा, चाहे आप उसे नौकरी से हटवा दो, नक्सली कहला दो, अपने समर्थकों द्वारा गाली भिजवा दो। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आसपास की जो समस्या है इस पर आपके तरफ से कोई जवाब मिले। हमारे आसपास स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, गांव के कुछ सड़कें देखने से साफ लगता है कि जैसी उम्मीद जगी थी 2014 में वैसा नहीं हुआ। मैं अन्ना आंदोलन, रामदेव आंदोलन का भी समर्थक रहा हूं और कांग्रेस का भी आलोचक रहा हूं, और आपकी जब सत्ता है तो खुले तौर पर मैं आपकी जो कुछ काम गलत है उसका आलोचक हूं। उम्मीद करता हूं इन सवालों के जवाब आपसे मिले। जय हिंद, जय भारत।